पर जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूमाफियाओं पे बुलडोजर चला रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भूमाफियाओं का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि आज का ताजा मामला है गुरुपकसगंज थाने का, जहां पे भूमाफियाओं का दबंगा ही देखने को मिला। आपको बता दें वहाँ पे हमारा जमीनी विवाद था, उसके बावजूद भी हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, गांव का मामला है। लेकिन हमने फिर उसका स्टे ले लिया, स्टे होने के बावजूद भी जबरन उसको जोड़ना शुरू किया और उसके बाद हमने कंप्लेंट की, तो उन्होंने कहा था कंप्लेंट अपनी वापस ले लो, नहीं तो जबरन आपको जान से मार देंगे। आपको कौन लोग थे जो आपको जान से मार देने की धमकी दे रहे, कौन? उसमें से सुनील सोनी, छोटू शेट्टी और साथ में उनके संगठन के लोग थे, जो उनके आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं रायबरेली में और उन्नाव का मैटर भी है उनका पहले से, और साथ में अंशु सोनी और गुन्ना लोधी भी हैं जो उनके साथ हैं, और साथ में वो हमारी माताजी को, हमारे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने की दिन पर दिन रोज देते हैं, क्योंकि वो उच्च जाति के लोग हैं और हम हरिजन जाति के लोग हैं, जिससे हमारे पे दबाव बनाने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इसके लिए जितनी कोशिश कर रहे हैं। दबाव कौन लोग, मतलब कौन दबाव बना रहा है? दबाव हमारे जो आपराधिक मामले हैं, सुनील शेट्टी हैं, सुनील हैं उच्च शेट्टी, वो ज़्यादातर हमारे पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में उनके अंशु सोनी और मुन्ना लोधी जो हैं, क्योंकि उनको चलो हमने सोचा अच्छे लोग प्रवृत्ति के लोग होंगे, चलो कोर्ट का मामला है ठीक है, स्टे होने के बावजूद नहीं कुछ कार्रवाई करेंगे, कोर्ट से न्याय लेंगे, लेकिन उसके बावजूद जब उनसे काम नहीं बना तो वो आपराधिक षड्यंत्र रखने लगे हमारे खिलाफ, और हम छोटी जाति के लोग हैं इसलिए हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी कंप्लेंट आपने अपने स्थानीय थाने में दी कि नहीं? स्थानीय थाने में कंप्लेंट करी, लेकिन यहाँ कंप्लेंट करने का भी एक अलग ही मुद्दा है, कंप्लेंट खुद करो, कंप्लेंट करने वाला भी जेल जाता है और जो कंप्लेंट कर रहा है उसको भी जेल जाता है, फिर कहते हैं कि नहीं पे चावल लगाने के, ठीक है चलो कोई बात नहीं, उसको हम जेल जाने के लिए पत्ती कोई नहीं, लेकिन उचित कार्रवाई तो करें। अब अपराधी दिन पर दिन दहाड़े घूम रहे हैं, ठीक है दहशत में थे, इसलिए मजबूरन हमें यहाँ पे एसपी ऑफिस में आना पड़ा, क्योंकि एसपी साहब से आज आप मिले? एसपी साहब से आज मिले तो उन्होंने कहा ठीक है हम आप एसओपी इसके लिए इन्फॉर्म कर देते हैं, बाकी जो भी हमसे उचित कार्रवाई बनेगी हम करेंगे, लेकिन अगर इस पर उचित कोई कार्रवाई ना बनी तो हमें मजबूरन हमें मुख्यमंत्री योगी नाथ जी के पास हमें जाना पड़ेगा, पूरे ओपी अकेले नहीं जाएंगे, पूरे परिवार से ही जाएंगे, हमारे परिवार पर कोई भी आपत्ति आती है तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ संगठन ही होगा, जो हमारे प्रतिपक्षी हैं अंशु सोनी, सुनील शेट्टी और गुंडा लोधी और उनके सभी जो मित्रगण। देखना अब ये होगा कि जहाँ उत्तर प्रदेश में माफियाओं के घर पे बुलडोजर चलता है, लेकिन रायबरेली के माफियाओं के घर पे क्या बुलडोजर चलता है, क्या दबंगों का कहर खत्म होता है, देखते रहिए ऐसे INN न्यूज़ नीलम माई के साथ। नमस्कार।